बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ का थर्ड चैप्टर जो पढ़ रहे थे, सॉरी फोर्थ चैप्टर है, लॉन्ग एंड शॉर्ट, तो हम उसको कंप्लीट करेंगे। हमने इसका पार्ट वन पढ़ लिया था, इसमें हम लोगों ने मिलीमीटर एंड सेंटीमीटर को समझा था। आज हम लोग मीटर समझेंगे। और ध्यान रखिएगा, अगर कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया ना, तो आगे जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो आप इजीली कर सकती हैं। इसके बाद फिर मैं आपको वर्कशीट करवाऊंगी, तो आप क्वेश्चन समझेंगे कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। हाउ लॉन्ग इज मीटर, बोले मीटर कितना लंबा होता है। हाउ लॉन्ग इज मीटर, तो ये कैसे पता पड़ेगा कि मीटर कितना लंबा होता है। तो देखिए, एक यहाँ पे आपको बॉय दिख रहा है, बोल रहा है आई वॉन्ट टू मेक अ लॉन्ग कुर्ता, बोल रहा है मुझे एक लॉन्ग कुर्ता चाहिए। तो क्या बोलता है ये जो शॉपकीपर है, वो क्या बोलता है, ये टेलर है टेक टू मीटर कपड़ा क्लॉथ फॉर योर कुर्ता, बोल रहा है टेक टू मीटर क्लॉथ फॉर योर कुर्ता। तो 2 मीटर कपड़ा लगेगा आपके कुर्ता बनाने के लिए। एंड हाउ मैनी मीटर्स फॉर अ लॉन्ग स्कर्ट फॉर मी, अब ये जो गर्ल है वो पूछ रही है कि मेरे लिए कितने मीटर का इस कपड़ा लगेगा स्कर्ट बनाने के लिए, कैसे स्कर्ट, एक लॉन्ग स्कर्ट। तो टेलर बोल रहा है यू नीड 3 मीटर। अब ये देखिए, इसने बता दिया कि आपको 3 मीटर लगेगा, आपको 2 मीटर लगेगा, मगर ये कैसे लगेगा, इसको कैसे पता चला कि ये मीटर में लगेगा, इसने सेंटीमीटर में क्यों नहीं बोला। आपके दिमाग में एक बात आई, इसने सेंटीमीटर में क्यों नहीं बोला, इसने मिलीमीटर में क्यों नहीं बोला, इसने मीटर में ही क्यों बोल रहा है। तो देखिए, आप लोगों को याद होगा जो सेंटीमीटर पढ़ते थे, वो सेंटीमीटर हमारा कितना होता है, सेंटीमीटर 90 तक होता है, 90 सेंटीमीटर, 91, 92, फिर उसके बाद हो जाता है 99। तो 99 जब आता है, जैसे आप काउंटिंग पढ़ते हो, तो काउंटिंग में जब 99 आता है, 99 सेंटीमीटर, सिर्फ 99 तक ही सेंटीमीटर आता है। कोई चीज़ आपको मेज़र की, आपने नापी उसको, और वो काउंटिंग में 80, 70, 90 तो वहाँ तक आ रही है, तो आप सेंटीमीटर लिखोगे। ओके, लेकिन अगर वो चीज़ आपको 99 के ऊपर, वैसे 101 मिल रही है, तो 101 मिलने पर आप वहाँ पे लिखेंगे 901 मीटर नहीं लिखेंगे, फिर वो 1 मीटर हो जाता है। 1 मीटर कैसे हो गया, जब 100 सेंटीमीटर कंप्लीट हो जाते हैं तब हम लोग 1 मीटर बोलते हैं। ओके, तो आप लोग एक बात याद रखिएगा, ए मीटर इज़ इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है ए मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप आगे, हम आपका जब भी आप किसी भी क्लास में पहुंच जाइए, ये कॉन्सेप्ट आपका, अभी जो कहते हैं ना नींव है, जो आपका फाउंडेशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपको फाउंडेशन अच्छा नहीं हुआ, तो आप आगे चल के काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर फेस कर सकते हैं, सॉरी, और अगर फाउंडेशन अच्छा है तो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो याद रखिएगा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट, लेट अस मेक अ मीटर रोप, अब हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे और उसमें एक मीटर रोप बनाएंगे। मीटर रोप मतलब एक रस्सी लेंगे, उसको मीटर बनाएंगे। ओके, तो यू मस्ट हैव सीन शॉपकीपर मेजरिंग क्लॉथ विथ अ मीटर रोड, आप लोगों ने कभी, आप अपने मम्मी या पापा के साथ, किसी के साथ गए हो मार्केट, तो देखा होगा जो शॉपकीपर होते हैं ना, दुकानदार, वो कपड़े जब, जैसे आपकी मम्मी कहती हैं कि हमें 2 मीटर कपड़े दे दो, तो वो एक रॉड रखते हैं, उसे मेज़र करके दे देते हैं, या फिर टेक अ मीटर रोड, या फिर एक रस्सी भी रखते हैं वो लोग, तो रस्सी से दे देते हैं। मेक अ नोट एट वन एंड ऑफ अ रोड, और वो क्या करते हैं, आप ऐसा कीजिए, एक रस्सी लीजिए और एक तरफ गांठ बांध दीजिए, जैसे इसने इसे मेज़र करके इधर नोट बांध दिया है। कीप द मीटर रॉड विद द रोप, और जो मीटर रॉड है उसके पास इस तरह से लगा के, और फिर क्या कीजिए, मेक मार्क 1 मीटर ऑन द रोप एंड मेक अ नोट, एक साइड पहले आप नोट लगाइए, फिर एक मीटर रोड लीजिए, मीटर रोड से मेज़र करके जितनी लंबी मीटर रोड हो उतनी लंबी दूसरी साइड नोट लगा दीजिए, मतलब गांठ लगा दीजिए। ओके, नाउ द लेंथ बिटवीन 2 नोट्स इज 1 मीटर, तो दोनों नोट के बीच में जो लेंथ है वो 1 मीटर होनी चाहिए, दिस इज़ द मीटर रोड, तो उसको हम लोग मीटर रोड बोलते हैं। इफ़ यू डोंट गेट अ मीटर रोड यूजिंग अ मेजरिंग टेप एंड 100 सेंटीमीटर ऑन द रोप, आपको पता है 100 सेंटीमीटर में एक रोप होती है, 100 सेंटीमीटर आर इक्वल टू मीटर, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के इक्वल होता है, सो यू गेट द मीटर रोप, तो एक मीटर रोप कंप्लीट।
ओके गैस एंड चेक। अभी एक्टिविटी है, आप लोगों को ये एक्टिविटी करनी है। फाइंड सम थिंग्स दैट लुक वन मीटर, कुछ चीज़ें आप देखिए जो वन मीटर के बराबर है, कुछ आपने आसपास देखिए जो देखा कीजिए, जैसे आपकी कोई टेबल रखी हो, स्टडी टेबल रखी हो या फिर कुछ और चीज़ रखी हो आपके पास, तो वो आप देखिए जैसे कि ये वन मीटर का है। आप इसमें पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, पूछिए उनसे क्या यह वन मीटर का है, हमारा गैस सही है या नहीं। यूज़ योर मीटर रोप, या फिर आप जो मीटर रोप अभी बता रही थी मैं, उस तरह से एक मीटर रोप बनाइए। फिर घर में आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं ना, उन सबको मेज़र कीजिए, तो आपको पता चलेगा कौन सा वन मीटर है, कौन सा लेस देन वन मीटर। देखिए यहाँ पे आपको, जैसे अभी मैं आपको बता रही थी लेंथ ऑफ टेबल, तो जो टेबल की लेंथ है वो मोर देन वन मीटर है, आप अपने मीटर रोड से ना मेज़र कीजिए, और लेस देन है तो अगर आप लेस देन है तो इसमें टिक कीजिए, और मोर देन है तो इसमें टिक कीजिए। ये तो आप लोगों की जो टेबल है, टेबल बड़ी है छोटी है उस पर डिपेंड करेगा, तो इसमें मैं नहीं बता सकती, वो आप खुद कीजिए मेज़र। ब्रेथ ऑफ टेबल, ब्रेथ कितनी है, चौड़ाई कितनी है टेबल की, मोर देन है या लेस देन है, तो आई थिंक मोर देन वन मीटर होगी। विड्थ ऑफ डोर, विड्थ ऑफ डोर जो होता है वो मोर देन वन मीटर होता है। लेंथ ऑफ डोर, लेंथ ऑफ डोर भी मोर देन वन मीटर होता है, वरना निकलेंगे कैसे। ओके अब एक्टिविटी टू है, एक्टिविटी टू, इसमें जो एक्टिविटी आती है बुक्स में करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं माइंड को डेवलप करने के लिए, इसलिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, इसलिए आप लोग एक्टिविटी शुरू कीजिएगा। सम क्लास थर्ड चिल्ड्रन हैव मार्क्ड वन मीटर हाइट ऑन अ वॉल ऑफ देयर क्लास, एक क्लास में आप अपने क्लास की जो वॉल है ना, दीवार, उस पर वन मीटर का एक मार्क कीजिए। यू कैन आल्सो मार्क वन मीटर ऑन योर क्लास वॉल, और क्लास की दीवार पर। ओके नाउ मेक अ चार्ट ऑफ हाइट ऑफ योर फ्रेंड, ज़्यादातर ये मार्क करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्कूलों में ऐसा बना होता है वॉल पर, आप उसको चेक कीजिए, एक पेंटिंग या ड्राइंग जो बनती है ना स्कूल में, और स्पेशली केवी स्कूल्स में बनी होंगी, तो आप अपने क्लासरूम के आसपास देखिए या फिर क्लास में बनी होंगी, क्लास की जो गैलरी होती है ना उसमें बनी होती है, तो देखिएगा। नाउ मेक अ चार्ट ऑफ योर हाइट ऑफ फ्रेंड, तो आप क्या कीजिए, उसमें जो अपने फ्रेंड है उनको ले जाइए, आप सब लोग क्लास के बच्चे इकट्ठे होके जाइए और उसको नापिए, उस पर सब लोग खड़े होके देखिए, और दूसरा बच्चा चेक करेगा कि वो कितने कहाँ तक आ रहा है। ओके टू मेजर द सेंटीमीटर यू कैन यूज़ योर स्मॉल स्केल, जब हम लोग सेंटीमीटर यूज़ करते हैं तो हम लोग स्मॉल स्केल यूज़ करते हैं। ओके अब जैसे नाम है इसमें शंभू, तो टॉलर है, शॉर्टर है, इक्वल टू वन मीटर है, जैसे मतलब अगर वो एक मीटर तक आ रहा है तो लिखेंगे इक्वल टू वन मीटर, अगर एक मीटर से कम आ रहा है तो लिखेंगे शॉर्टर, अगर एक मीटर से ज़्यादा आ रहा है तो लिखेंगे टॉलर। तो आप यहाँ पे अपने फ्रेंड के नाम लिखिए, पहले तो राहुल, प्रियंका, आर्यंस, देव, तो इस तरह से नाम लिखिए, एंड जो भी आपके हो, फिर हाउ मैनी सेंटीमीटर और लेस देन अ सेंटीमीटर, इसमें है अगर वो वन सेंटीमीटर वन मीटर है। ओके वन मीटर के बाद ये कितना लंबा है, फोर सेंटीमीटर और ऊपर निकल गया है, तो लिखिए टॉलर और फोर से, अगर शॉर्टर है तो कितने लेस देन सेंटीमीटर है, मतलब मीटर, वन मीटर कंप्लीट करने में मान लो 10 सेंटीमीटर नीचे रह गया, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 10 सेंटीमीटर लेस। ओके इसी तरह से आप ये एक्टिविटी आप ही को करनी पड़ेगी, क्योंकि अलग अलग फ्रेंड्स के, अलग अलग बच्चों के अलग अलग होते, एक मेजरमेंट मैं नहीं लिख सकती। ओके याहू आई एम 4 सेंटीमीटर मोर देन 1 मीटर, ये बच्चा क्या बोल रहा है, मैं 1 मीटर से 4 सेंटीमीटर ज़्यादा हूँ। ओके लेट मी सी इफ आई एम आल्सो टॉलर देन 1 मीटर, मैं 1 मीटर से टॉलर हूँ। ओके नेक्स्ट चलते हैं सेंटीमीटर्स और मीटर, देखिए ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस आपके आएंगे, क्योंकि मैथ में और ईवीएस में पिक्चर वाइज क्वेश्चंस बहुत देते हैं, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। विच ऑफ दीज विल बी इन मीटर्स एंड विच विल बी इन मीटर्स, देखिए कौन सी चीज़ आप सेंटीमीटर्स में देखेंगे या कौन सी चीज़ आप मीटर्स में है ये बताएंगे। देखो आपने इसमें जितनी भी चीज़ें हैं ना सब आपको पता है, एक बात आपको मैं बता देती हूँ, आपके जो हाथ है ना आप दोनों हाथों को फैलाइए, ओके खोल दीजिए, जैसे ऐसे खड़े होते हैं ना दोनों हाथ ओपन करके, तो उस तरह से जैसे ये डॉल है, अभी देखिए यहाँ पे एक डॉल है, तो ये इसके हाथ नीचे की है, तो आप अपने हाथों को ऐसे
ओपन करके फैलाइए, ओके ठीक है। इस हाथ को आप फैलाइए तो आपके हाथ जो फैले हुए हैं ना वो लगभग 1 मीटर के होंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी हाइट क्या होंगी 1 मीटर। तो आप अगर जैसे क्वेश्चंस आए तो आप सोचिए क्या किसी की लेंथ आपके दोनों हाथों के फैलाने के बराबर है, अगर या फिर उससे ज़्यादा है तो आप वहाँ पे मीटर लिखेंगे। अगर आपके दोनों हाथ फैलाने के बाद आपकी उसकी लेंथ कम है तो आप सेंटीमीटर लिखेंगे, ओके। ये हिंट मैंने दी है क्योंकि आप इस तरह से इमेजिन कर ही सकते हो और नॉर्मली बच्चों की इमेजिनेशन पावर तो काफ़ी स्ट्रांग होती है, ओके। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। विड्थ ऑफ अ कंप्यूटर स्क्रीन, जो कंप्यूटर स्क्रीन है उसकी विड्थ कितनी होगी, देखिए विड्थ आपके वन दोनों हाथ फैलाने से तो कम है ना, तो यहाँ आएगा सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ अ पगड़ी वॉर्न बाय सिक्स, जो सिख पगड़ी लगाते हैं वो दिखने में सिर में जो लगाते हैं वो आप लोगों के सिर में है बहुत छोटी है तो सेंटीमीटर होगी, नहीं, लेकिन जब हम उसे ओपन करेंगे तो एक तरह से जो साड़ी होती है ना जो मम्मी पहनती हैं आप लोगों की, उससे थोड़ी छोटी होती है लेकिन होती काफ़ी लंबी है, तो हम लोग उसमें मीटर लिखेंगे। हाइट ऑफ अ 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड, जो 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड होगी उसकी हाइट 1 मीटर नहीं होगी, वो सेंटीमीटर में आएगा। लेंथ ऑफ अ बनाना, काफ़ी स्मॉल होता है बनाना, सेंटीमीटर। वेस्ट ऑफ अ एलिफेंट, देखिए एलिफेंट की इस तरह से चौड़ाई तो ये काफ़ी होगा तो इसे हम मीटर में लिखेंगे। हाइट ऑफ अ शुगर कैन, तो शुगर कैन जो होता है काफ़ी लंबा होता है, अब ऐसा नहीं है कि हमें छोटा पीस करना है, छोटा पीस को नहीं मेज़र करना, हम लोग को पूरा पीस मेज़र करना है, इसलिए हम लोग मीटर लिखेंगे। डेप्थ ऑफ अ वेल, कुएं की जो गहराई है वो भी मीटर में होगी, कुआ बहुत गहरा होता है। हाइट ऑफ योर मदर, हाइट क्या होगी आपकी मदर की, मीटर में होगी। डिस्टेंस फ्रॉम क्लासरूम टू स्कूल गेट, तो कि आपका क्लासरूम से स्कूल गेट तक मीटर में होगी। लेंथ ऑफ योर फादर आर्म, जो आपके फादर है उनके हाथ, सेंटीमीटर में, ओके। आई थिंक कंप्लीट हो गया आपका। टिप, आप देखिए यहाँ पे ट्रिप जा रही है, जैसे आप अपने पापा के साथ पिकनिक वगैरह जाते हैं पेरेंट्स के साथ, उस तरह से एक ट्रिप जा रही है। ट्रिप कहाँ जा रही है, आगरा, ट्रिप टू आगरा। मैरी एंड बॉयचुंग, ये दो लोग हैं मैरी एंड मैचू, आर गोइंग विथ देयर फैमिली टू आगरा, तो फैमिली के साथ आगरा जा रहा है। दे गेट डाउन एट आगरा कैंट, कहाँ गए, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन, एंड टेक अ रिक्शा, वहाँ से क्या लिए, रिक्शा टू ताजमहल, कहाँ के लिए, ताजमहल के लिए। आफ्टर थ्री आवर्स के बाद दे स्टार्ट फॉर आगरा फोर्ट, कहाँ गए, अगेन इन रिक्शा, फिर से एक रिक्शा से गए आगरा फोर्ट। इन द आफ्टरनून दे टेक अ बस टू गो फतेहपुर सीकरी, एंड आफ्टरनून दोपहर को उन्होंने एक बस ली और उससे फतेहपुर सीकरी गए, ओके। देखिए यहाँ पे मैप ऑफ आगरा मेजर दिया गया है और यहाँ पर ये फतेहपुर सीकरी है, ये बाबरपुर फॉरेस्ट है, और देखिए मैप में जो ब्लू लाइन होती है ना इस तरह से आपको टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देंगी ब्लू कलर की, वो होती है रिवर, ओके। उस हमेशा याद रखिएगा जो ब्लू कलर में होती है वो रिवर होती है, और इस तरह से जो होती है इस तरह से ऐसे ऐसे ये होती है जो ट्रेन की पटरी होती है वो होती है, और ये जो आपको ब्लैक से दिखेगी ये होती है सड़क, रोड जिसको बोलते हैं नेशनल हाईवे, और इस तरह से पेड़ और ग्रीन दिखेंगे, ग्रीन वो होता है आपका फॉरेस्ट, जंगल, ओके। तो इस मैप में क्या है, इधर है बाबरपुर फॉरेस्ट, ये आगरा फोर्ट है, आगरे का किला, ये रिवर जमुना रिवर है, ये ताजमहल है, यहाँ ताज फॉरेस्ट है, और ये आगरा कैंट रेलवे स्टेशन है, और इधर फतेहपुर सीकरी है। अब हम लोग किधर से किधर गए अब मेज़र करना है, चलिए करते हैं। देखिए अब हमारे डिस्टेंस किलोमीटर्स को पढ़ेंगे, ओके। मैं थोड़ा छोटा करती हूँ इसको, आई होप आपको पूरा दिखे, वन सेकेंड, ओके। काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसी के हैं तो हम लोग इसी के सॉल्व करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ लुक एट द डिस्टेंस बिटवीन दीज प्लेस फॉर किलोमीटर, वी राइट किलोमीटर।
यहाँ पे कुछ ऐसी डिस्टेंस है जो किलोमीटर में है वो आप लोगों को बताना है। ओके, याद रखिएगा जब आप अपने स्कूल से आप घर जाते हैं या घर से स्कूल जाते हैं तो हमेशा जो रास्ते होते हैं वो किलोमीटर में ही मेज़र होते हैं, क्योंकि रास्ते बहुत लंबे होते हैं। और आपकी एक बात और बता दूँ, देखिए मैंने आपको अभी बताया था जब 100 सेंटीमीटर कंप्लीट हो जाते हैं तो 1 मीटर होता है। ओके, अब याद रखिएगा 100 हो गया कंप्लीट, अब आपको याद रखना है 9, जैसे 800 है तो 800 होगा तो हम लोग मीटर लिखेंगे, लेकिन वो 900 है तब भी मीटर लिखेंगे, लेकिन 999 होगा मीटर लिखेंगे, लेकिन अगर 1000 हो जाएगा तो फिर हम लोग किलोमीटर लिखेंगे रास्तों को, और रास्तों को स्पेशली डिस्टेंस को हम लोग किलोमीटर ही लिखते हैं। और किलोमीटर कब लिखा जाएगा, जब वो 1000 के पार चला जाता है। ओके, ऐसे नहीं बोलते हम लोग जैसे 800 मीटर है। लेकिन जो आप, ये मैंने आपको बेसिक नॉलेज के लिए बता दिया, लेकिन आप आगे याद रखिएगा जो रास्ते होते हैं, डिस्टेंस होती है, जो कहीं से कहीं की दूरी पूछी जाती है, वो हमेशा किलोमीटर में ही होते हैं। ओके, चलिए अब इसमें लिखा है आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से ताजमहल कितना है, 5 किलोमीटर। देखिए आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से ताजमहल 5, ओके 5। ताजमहल टू आगरा फोर्ट, ताजमहल से आगरा, तो ये है 2। आगरा फोर्ट से फतेहपुर सीकरी, आगरा फोर्ट से फतेहपुर सीकरी कितना है, 40, काफ़ी डिस्टेंस है। नाउ फाइंड फ्रॉम द मैप, अब हमें फाइंड करना है, मैप में ढूंढना है विच इज़ फर्दर फ्रॉम आगरा कैंट रेलवे स्टेशन ताजमहल और फतेहपुर सीकरी, बोले हैं कौन सा दूर है, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से ताजमहल दूर है या फिर फतेहपुर सीकरी दूर है। तो देखिए आगरा कैंट इधर है और फतेहपुर सीकरी इधर है और ताजमहल इधर है, तो क्या दूर होगा आप बताइएगा क्या दूर होगा। और ये इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है कि इस तरह की ये लाइन्स हैं, इसमें ये सिम्बल्स वो शोज द रेलवे लाइन्स, तो ये रेलवे लाइन्स शोज करती हैं, वो मैंने आपको बताया था। विच ऑफ दीज इज नियरर टू द रेलवे लाइन, तो रेलवे लाइन के क्या नियर है, बावरपुर फॉरेस्ट या ताज फॉरेस्ट। आप लोग देखिए यहाँ पे ये रेलवे लाइन्स यहाँ से गई निकली है और यहाँ से ये देखिए बावरपुर फॉरेस्ट पास है और जो ताज फॉरेस्ट है वो यहाँ से काफ़ी दूर है। आगरा फोर्ट टू ताजमहल, आगरा फोर्ट पास में है या ताजमहल पास में है रेलवे लाइन से, तो आगरा फोर्ट ये है और ताजमहल, तो आगरा फोर्ट इधर से इतना डिस्टेंस है और ताजमहल का इधर काफ़ी डिस्टेंस है, तो आगरा फोर्ट पास में है। विच ऑफ दीज इज नियर, ओके ये तो हो गया, विच इज़ क्लोजर टू द यमुना रिवर, जो रिवर यमुना है उसके पास क्या है, ताजमहल है या रेलवे स्टेशन है। ऑब्वियसली ताजमहल है, क्योंकि आप अगर कभी ताजमहल घूमने गए हो तो आपको पता है उसकी दीवार से सट की यमुना रिवर निकली हुई है। ओके, जाइएगा कभी पापा मम्मी के साथ घूमने तो पता चलेगा। चलिए मैच द करेक्ट लेंथ, इसमें लेंथ आपको मैचिंग करनी है करेक्ट। ड्रॉ लाइन्स टू मैच ईच पिक्चर एंड विथ हाउ लॉन्ग इट कैन बी, ये आपको याद देखना इमेजिन भी करना है कि किसकी लेंथ कितनी हो सकती है। ओके, लेंथ ऑफ एन अर्थवॉर्म, जो केंचुआ होता है उसकी लेंथ, आप लोगों ने केंचुए तो देखे होंगे, अब आप इमेजिन करिए वो कितना लगभग हो सकता है, 1 सेंटीमीटर, देखो 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर आपको मैंने बताया रास्ते होते हैं, 5 मीटर भी बहुत बड़ा हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, तो देखिए 10 सेंटीमीटर हो सकता है। ओके, हाइट ऑफ अ चाइल्ड, जो चाइल्ड है उसकी हाइट कितनी हो सकती है, हाइट ऑफ अ चाइल्ड, चाइल्ड की हाइट 2 किलोमीटर नहीं होगी, 5 मीटर नहीं होगी, 1 मीटर नहीं होगी, 1 मीटर हो सकती है। ओके, विड्थ ऑफ अ नेल, जो फिंगर होता है अपने उसकी नेल की चौड़ाई 1 सेंटीमीटर हो सकती है। लेंथ ऑफ अ साड़ी, तो साड़ी की लेंथ 5 मीटर होती है, याद रखिएगा। और जो स्कूल से होम, स्कूल से जो रास्ते जो मैंने बताए थे, होम से स्कूल हो, स्कूल से होम हो, वो हमेशा किलोमीटर में होता है, तो 2 किलोमीटर होगी।
ओके नेक्स्ट द लॉन्ग टेल कंपटीशन, ये कंपटीशन हो रहा है एनिमल्स के बीच में जिसमें बताया है कि किसकी पूंछ ज़्यादा लंबी है, टेल, लॉन्ग टेल कंपटीशन। ओके लेट्स, द एनिमल्स इन दिस पिक्चर हैड अ कंपटीशन, इसमें जो एनिमल्स दिखाए जा रहे हैं पिक्चर्स में उनमें कंपटीशन हो रहा है, द एनिमल हु हैड द लॉन्गेस्ट टेल, उसमें बताना है कि लॉन्गेस्ट टेल किसकी होगी, वो उसको वन ऑफ प्राइज, वो प्राइज मिलेगा। नाउ हु डू यू थिंक वॉन द फर्स्ट प्राइज एंड हु वॉन द सेकेंड, फर्स्ट प्राइज किसको मिलेगा, सेकेंड प्राइज मिलेगा, जस्ट गैस द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट, तो आप लोगों को गैस करके बताना है कि किसकी टेल सबसे लंबी होगी। स्नेक एक्स ऐसे ही बना है, स्नेक इसमें नहीं दिया है। ओके तो आप इसे एलिफेंट है, माउस है, काऊ है और पिग है, मंकी है और यहाँ पे ये शायद लिजार्ड है। ओके तो बताइए किसकी टेल लंबी है, फर्स्ट प्राइज मिलेगा मंकी को क्योंकि मंकी की टेल ज़्यादा लंबी दिख रही है, देखिए ये देखिए है, पिग की उतनी छोटी सी है एंड काऊ की भी है और एलिफेंट की भी देखिए छोटी सी है, तो फर्स्ट प्राइज जाता है मंकी एंड सेकंड प्राइज जाएगा काऊ को। ओके ओके चैप्टर फिनिश हो गया, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक्स फॉर वाचिंग।